हेलो दोस्तों, कमेंट की वजह से हमें दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना ये चैनल तो मैंने सोच ही रखा था कि इस पे कोई साथ नहीं दे रहा था हमारा, ना व्यूवर आ रहे थे और ना सब्सक्राइबर, मगर जो हमारे भाई लोग आए थे, भाइयों ने कहा था कि हमें और जानकारी चाहिए रेयर कॉइन के बारे में, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ और आज से आपको 10 कॉइन डेली दिखाऊंगा। और अगर ऐसे कॉइन दिखाऊंगा जो आपको किसी और वीडियो में दिखेगी ही नहीं, शायद आपने उन्हें पहली बार देखे हो, तो मैं ऐसे कॉइन दिखाऊंगा। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में भी रेयर कॉइन के बारे में चर्चा की है। और आपको अगर अपने रेयर कॉइन है आपके पास, बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन, तो आप कॉन्टैक्ट कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए और हम आपके नंबर पर एक लिंक भेज देंगे ईबे। ईबे पर आप जाकर हम आपका कॉइन देखकर डायरेक्ट ही ईबे पे से वो लिंक उठाएंगे जहाँ पर आपका कॉइन है, और डायरेक्ट आप पर सेंड करेंगे, जो आप उस पर क्लिक करते ही ईबे पर पहुँच जाए। तो आप अब मैं फ्रेंड आपको कॉइन, बहुत रेयर कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड ये देखिए, ये 20 पैसे है, 1970 के हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं फ्रेंड। जब हमारे पूर्वज थे, मतलब दादा दादा दादी थे, ये उनके टाइम में चले थे, तो इन 20 पैसों का मैं बहुत सामान खरीद लेते थे। और ये 20 पैसे, इन ये कलेक्शन हमारे दादाजी ने ही हमें दिखाई थी और ये हमें उनसे ही प्राप्त हुए थे। तो फ्रेंड इनकी भी बहुत वैल्यू है। अगर आपको, आप पर ये फ्रेंड दोस्तों ये सिक्का हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताइए, हम आपका ये बिकवा देंगे। और अगर आप कलेक्शन करते हो पुराने कॉइनों की तो हमें बताइए और अपनी कलेक्शन दिखाइए। ये दोस्तों 20 पैसे हैं और में भी 20 पैसे थे। अब ये दोस्तों सिल्वर का पैसा है, 20, इसे धात का बोलते हैं। ये देखिए, ये 1988 में आरंभ हुआ था ये 20 पैसे, ये भी जब ही के ही है, ये 1970, ये थोड़ा पुराना है। इनमें अंतर देख सकते हो दोस्तों, 2 कॉइन तो हमने आपको दिखा दिए और 8 कॉइन अभी रह रही है। ये भी 20 पैसे ही है, ये भी उधी वही कॉइन है, बिल्कुल सेम वही कॉइन है। ये हमारे पास 3-4 कॉइन है, ये देखिए, ये भी वही कॉइन है। हमने सोचा कि एक ही बार ये तीनों कॉइन दिखा दे और फिर और रेयर कॉइन, अगली वीडियो में और रेयर कॉइन लाए आपके लिए। और आप ये देखें, ये बहुत खास कॉइन है, ये देखिए दोस्तों, ये 25 पैसे है। आपको मैंने 20 पैसे दिखाए थे और दोस्तों ये 25 पैसे हैं, 1975 का है वो पैसे। ये आप देख सकते हैं, साइज में भी बहुत छोटा है, इसके मुकाबले भी बहुत छोटा है ये 20 पैसे के, 25 पैसे, 1975, ये भी उसी टाइम के हैं। और आपको मैं 10 पैसे दिखाऊंगा जो दोस्तों आज आज के टाइम में मिलने बहुत मुश्किल है। ये आज के टाइम में बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं ये पैसे। ये आप इन्हें 10 पैसे देख सकते हो, ये 1980 में आरंभ हुए थे, इनकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब आप दोस्तों ये समझोगे, ये 1975 के इतने रेयर कॉइन, वो मतलब इतने वो मिलते नहीं हैं और ये मिलते भी नहीं हैं, तो ये 10 पैसे जो हैं ये बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सिल्वर के हैं, बहुत पहले इंडिया करेंसी ने इन्हें बंद कर दिए थे, 10 साल बाद ये बंद हो चुके थे। और ये जब ये आए आए थे, ये इतने चले थे, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम। अगर ये आप पे होए तो आप हमें बताइए, हम आपका उसे कब बिकवाते। और आप दोस्तों, हमारा खास कॉइन आपके सामने आ रहा है, 5 पैसे। हाँ दोस्तों, 5 पैसे 1971 में आरंभ हुए थे,
ये तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। शायद आपको 10 पैसे मिल जाए मगर 5 पैसे ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसके आप आइकन भी देख सकते हैं, चतुर्भुज की तरह कटा हुआ है ये आइकन इनका, और ये बहुत रेयर कॉइन हो चुका था। इसकी मार्केटिंग वैल्यू फ़िलहाल के टाइम में इतनी है, बहुत है। और अब हम आपको इससे भी एक ख़ास कॉइन दिखाने जा रहे हैं, ओल्ड कॉइन। ये देखिए दोस्तों, अभी आप सोचोगे कितना छोटा है। ये देखिए दोस्तों, ये इतना छोटा है कि आप देख सकते हो। ये 10 पैसे है, 1988 में आरंभ हुए थे और ये 2-3 साल चले, क्योंकि ये ज़्यादा, इनका साइज़ ज़्यादा छोटा होने के कारण ये इंडियन करेंसी ने इनको बंद करवा दिया था। क्योंकि जो उस ज़माने के बच्चे थे ना, तो वे उनके हाथ में जब ये सिक्के आते थे तो वे इन्हें निगल लेते थे, मतलब में इन्हें सटक लेते थे, मुंह में रखे थे और अंदर चले जाते थे, तो इसलिए ये बंद करवा दिए थे। आज के टाइम में मिलने बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रेयर कॉइन दिखाऊंगा, शायद आपने कभी ना देखा हो। ये हिंदू धर्म से प्रचलित है, ओम। इस पे ओम का उपचार भी हो रहा है, हिंदू धर्म से प्रचलित है कॉइन। इस पे ये थोड़े सरस्वती है और एक और है इनके हिंदू धर्म में, ये बहुत प्रचलित सिक्का है। इस पे कोई वो कोई तिथि नहीं है कब चला था। ये इतना रेयर कॉइन हो चुका है तो आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं मिलते। और फ्रेंड, हमारी वीडियो का लास्ट कॉइन, सबसे सबसे महत्वपूर्ण कॉइन आपके सामने आएगा। ये दोस्तों अंग्रेज़ों ने आरंभ करवाए थे, 1 रुपया इंडियन, 1916 में आरंभ हुआ था। आप देख सकते हो 1916 में चला था, ये अंग्रेज़ों ने आरंभ करवाए थे। फिलहाल इनकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पर ये सिक्का हो तो हमें प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हम आपको लिंक दे ही देंगे ईबे की। आप डायरेक्ट इनकी मार्केटिंग वैल्यू वहाँ से चेक कर सकते हो। ये सिक्का इतना पुराना है दोस्तों, ये आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। ये भी हमारे दादाजी ने ही हमें दिया था, दादाजी को उनके पिताजी ने दिया था, तो इसलिए सिक्का आया हमारे पास। ये अंग्रेज़ों ने आरंभ करवाया था और ये 1947 तक चला था। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ये 1 रुपया है, और 10 पैसे से कंपेयर करके देखते हैं अब हम इसको। देखो दोस्तों, ये 10 पैसे सिल्वर से कंपेयर करा बहुत छोटा है, 5 पैसे से कंपेयर करा ये भी छोटा है, और ये 10 पैसा वो ज़रा सा उससे कंपेयर करा तो देखिए फ्रेंड ये कितना छोटा है। तो ये आज के तौर में इनके चांदी के उसमें बेचा जाता है, ये आज मिलने बहुत मुश्किल है। 1947 तक ये चले थे, जब हमारा 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे जो में अंग्रेज देश को छोड़कर चले गए थे, तो इंडिया इंडियन ने इनके ये रेयर कॉइन ये बंद करवा दिए थे, और इन्हें सारों को जमा करके बंद ही करवा दिए थे, सबसे मतलब ले लिए थे। जिस जिसके पास एक आधा कॉइन हो गए, ये बहुत रेयर है कॉइन। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको सिक्के कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो बनाने का कह दीजिए, हम आप अगली बार आपको 10 सिक्के और रेयर कॉइन दिखाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे बहुत पुराने करेंसी लेकर आते रहते हैं, और ये तो हमने आपको इंडियन करेंसी दिखाई है, आगे आगे चलने पर तो हम आपको विदेशी करेंसी भी दिखाएंगे, क्योंकि विदेशी करेंसी भी हमारे पास बहुत है। और आगे आगे हम आपको सऊदी अरेबिया की दिखाएंगे, अमेरिका की दिखाएंगे, डॉलर दिखाएंगे,
अरे ईरान की दिखाई गई करेंसी हम बहुत दिखाएंगे, हमारे पर बहुत है। धन्यवाद।